उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुधवार शाम एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर हाथी से अपनी जान बचानी पड़ी। इस पूरे वाकये का वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम उस वक्त गढ़वाल के दौरे से कोटद्वार लौट रहे थे। सिद्ध बलि मंदिर के पास एक बड़े जंगली हाथी ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। रावत 61 साल के हैं और वे 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के सीएम रहे हैं। पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार दर्शन सिंह रावत ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे जब उनका काफिला कोटद्वार के पास पहुंचा, तब ये घटना घटी। काफिले की पायलट गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि सामने सड़क पर एक विशालकाय हाथी खड़ा था। पायलट वाहनों ने हाथी के बगल से निकलने की कोशिश की, पर हाथी के तेवर देख वहीं थमे रहे। कुछ ही देर में उनके पीछे पूर्व सीएम रावत की गाड़ी समेत अन्य गाड़ियां भी खड़ी हो गईं। सभी इस इंतजार में थे कि हाथी साइड से निकल जाएगा और काफिला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाथी तेजी से काफिले की ओर बढ़ने लगा। इस पर सभी गाड़ियां तेजी से रिवर्स जाने लगी, जिसके बाद हाथी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खतरा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने रावत को कार से उतारा और बगल में मौजूद एक पहाड़ी नाले की ओर ले गए, लेकिन हाथी ने इनके पीछे ही दौड़ लगा दी। इससे बदहवास सभी लोग वहां एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे हाथी भी नाले में पहुंच गया। वो कुछ देर वहीं रुका रहा और चिंघाड़ता रहा। हाथी ने सूंड में पानी भरकर भी एक दो बार उछाला। जैसे ही हाथी कुछ देर के लिए शांत हुआ, पूर्व सीएम समेत सभी लोग वहां कूदकर नीचे भागे और वाहनों में बैठकर सुरक्षित निकल गए।